हेलो, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। टीवी जगत के चहेते कपल करण मेहरा और निशा रावल के अलग होने की खबर से लगभग सभी शॉक्ड हो चुके हैं। दोनों ने ही एक दूसरे पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। दरअसल करण मेहरा पर उनकी पत्नी निशा रावल ने मारपीट का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद करण को पुलिस हिरासत में लिया गया। हालांकि इसके बाद करण ने पुलिस के सामने अपना पक्ष रखा और उन्हें जमानत मिल गई है। वहीं निशा रावल ने मीडिया के सामने आकर भी अपने साथ हुई दर्दनाक कहानी को बयां किया। इसी बीच एक बार फिर करण मेहरा के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अब करण ने निशा के व्यवहार पर कमेंट करते हुए बताया कि उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब उन्हें सुसाइड के ख्याल आने लगे थे। करण ने निशा को बेहद आक्रामक बताया। उनका कहना है कि निशा उनके साथ मारपीट करती थी। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि निशा हमेशा से गुस्सेबाज रही हैं। शुरुआत में निशा मेरे साथ मारपीट भी करती थी। उसको गुस्सा आता था तो वो हाथ पांव चलाती थी। उसको समझ में नहीं आता था कि करना क्या चाहिए। करण ने कहा कि निशा गुस्से में चीजें फेंकने और तोड़ने लगती हैं। मैं अक्सर सोचता रहता था कि आगे चलकर ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन बाद में वो फिर से सभी आदतें निशा में वापस आने लगी। अभिनेता ने कहा कि वे काफी समय से पत्नी निशा के व्यवहार को बर्दाश्त कर रहे थे। इस दौरान एक वक्त भी ऐसा आया कि उन्हें सुसाइड के ख्याल आने लगे थे। हाल ही में निशा रावल अपने घर के बाहर मीडिया से रूबरू हुई थी। उस दौरान निशा के माथे पर चोट लगी साफ नजर आ रही थी और उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई थी। वहीं करण भी निशा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद बता रहे हैं। इस बीच निशा ने करण पर एक और आरोप लगाया। निशा का कहना है कि करण का किसी दूसरी लड़की से अफेयर है और ये बात उन्हें कुछ समय पहले ही पता चली। अब करण ने इसका भी जवाब दिया है। वहीं एक बातचीत के दौरान करण ने सभी आरोपों को निराधार बताया और उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था। अब मेरा नाम कई लोगों से जोड़ा जाएगा, लेकिन ये सच नहीं है। मैंने निशा को धोखा नहीं दिया और मेरा किसी दूसरी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है। करण ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। एक बातचीत के दौरान करण ने बताया कि ऐसा क्या हुआ था कि दोनों की लड़ाई पुलिस थाने तक पहुंच गई। करण ने स्वीकार किया कि दोनों के रिश्ते में पिछले कुछ समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। करण ने बताया कि पिछले काफी समय से हम अलग होने की सोच रहे थे, लेकिन बात पुलिस तक पहुंच जाएगी इसका अंदाजा भी नहीं था। साथ ही करण ने कहा कि हमारे बीच चीजों को सुलझाने के लिए निशा के भाई रोहित सेठिया भी आए हुए थे। निशा और उनके भाई ने एक एलिमनी अमाउंट मांगा, लेकिन वो इतना ज्यादा था कि वे उसे दे नहीं सकता था। रात 10 बजे फिर हमारे बीच इसी को लेकर बात हुई। तब भी मैंने साफ कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। उसके बाद जब मैं कमरे में गया तो निशा पीछे से आ गई। मैं वहां से बात कर रहा था कि उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाई और मेरे ऊपर थूका। उसके बाद मैंने उसे कमरे से बाहर जाने को कहा। खैर, इस खबर पर क्या है आपके थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।